अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, बेहश्ती ज़ेवर के आज के सबक में हम बाब नंबर 25 पढ़ने लगे हैं। इस बाब में कसम के कफ़ारे का बयान है। तवज्जो कीजिए। मसला नंबर एक, एक आदमी है, उसने कसम तोड़ डाली। उसका कफ़ारा ये है कि 10 मोहताजों को 2 वक्त का खाना खिलाए, या अगर कच्चा अनाज और गल्ला वगैरह देना चाहे तो वो दे सकता है, और हर फ़कीर को अंग्रेज़ी तोल के मुताबिक आधी छटांग ऊपर 2.25 शेर गंदम के देनी चाहिए, यानी 2.25 शेर से कुछ ज़्यादा देना चाहिए, आधी छटांग यानी थोड़ा बहुत ज़्यादा, बल्कि एहतियातन पूरे 2 शेर दे दें, और अगर जौ हो तो इसका दुगना, कि अगर 2.25 शेर है तो जौ 3.5 शेर हो जाएगा। और सारा जो तरीका है वो फ़कीर के खिलाने का वही है जो रोज़े के कफ़ारे में बयान हो चुका है। ये तो एक बात हो गई। या 10 फ़कीरों को कपड़ा पहनाना पड़ेगा कि हर फ़कीर को इतना कपड़ा दे दे जिससे उसका बदन का ज़्यादा हिस्सा ढक जाए, छुप जाए, जैसे चादर है या कोई लंबा कुर्ता दे दिया तो कफ़ारा अदा हो गया। लेकिन वो कपड़ा बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर हर फ़कीर को फ़कत एक एक लुंगी या एक एक पजामा दे दिया तो कफ़ारा अदा नहीं हुआ, और लुंगी के साथ कुर्ता दिया तो फिर अदा हो जाएगा। अगर दोनों बातों में इख्तियार है, इन दोनों बातों में इख्तियार है उसे कि चाहे तो कपड़ा दे दे और चाहे खाना खिला दे, हर तरह कफ़ारा अदा हो जाएगा। और ये हुक्म जो बयान हुआ है ये उस वक्त है कि मर्द को कपड़ा दे दे, और अगर किसी गरीब औरत को कपड़ा दिया तो इतना बड़ा कपड़ा होना चाहिए कि सारा बदन ढक जाए और इससे वो नमाज़ पढ़ सके। अगर इससे कम होगा और उसने औरत को दे दिया तो इससे कफ़ारा अदा नहीं होगा। मसला नंबर दो, अगर कोई औरत गरीब है कि ना तो खाना खिला सकती है और ना ही कपड़ा दे सकती है, तो फिर लगातार तीन रोज़े उसको रखने होंगे। अगर अलग अलग 3 रोज़े रखे तो कफ़ारा अदा नहीं होगा, बल्कि 3 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। अगर 2 रोज़े रखने के बाद बीच में किसी उज़र से 1 रोज़ा छूट गया है तो अब फिर से उसको 3 रोज़े रखने पड़ेंगे। ये औरत के बारे में है। मर्द के बारे में दरमियान में क्या उज़र आना है सिवाय सफ़र वगैरह के, लेकिन उसको भी बहरहाल लगातार रोज़े ही रखने पड़ेंगे। मसला नंबर 3, कसम तोड़ने से पहले ही कफ़ारा अदा कर दिया और उसके बाद कसम तोड़ी तो कफ़ारा सही नहीं है। अब कसम तोड़ने के बाद कफ़ारा फिर से उसे अदा करना पड़ेगा, और जो कुछ वो फ़कीरों को दे चुके उसको फेर लेना दुरुस्त नहीं है। बस वो दे दिया और कफ़ारा नए सिरे से अदा करें। मसला नंबर 4, किसी ने एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा कसम खाई, जैसे एक दफ़ा कहा कि खुदा की कसम फ़लाना काम नहीं करेंगे, उसके बाद फिर कहा कि खुदा की कसम फ़लाना काम ना करूँगी या ना करूँगा, उसी दिन या उसके दूसरे तीसरे दिन गर्ज, इसी तरह कई मरतबा कहा, ये यूँ कह दिया कि खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, कलामुल्लाह की कसम कि फ़लाना काम ज़रूर करूँगा या करूँगी, फिर वो कसम तोड़ देते हैं तो उन सब कसमों का एक ही कफ़ारा दे दे, ये जायज़ है। मसला नंबर 5, किसी के ज़िम्मा कस्मों के बहुत सारे कफ़ारे जमा हो गए तो बकौल मशहूर के हर एक का जुदा जुदा कफ़ारा देना चाहिए। ज़िंदगी में ना दे तो मरते वक्त उसको वसीयत कर जाना वाजिब है। मसला नंबर 6, कफ़ारे में इन्हीं मसाकीन को कपड़ा या खाना देना दुरुस्त है जिनको ज़कात देना दुरुस्त है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा, बाब नंबर 26 शुरू हो रहा है। इसमें है कि घर में जाने की कसम खाने का बयान, कि घर में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा या जाऊंगा तो कैसे वगैरह, वो सारी बात आगे मसाइल में आती है। मसला नंबर 1, किसी ने ये कसम खाई कि कभी तेरे घर नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, फिर उसके दरवाज़े की दहलीज़ पर खड़ी हो गई या खड़ा हो गया और दरवाज़े के छज्जे के नीचे खड़ी हो गई, अंदर नहीं गई तो कसम नहीं टूटी। अगर दरवाज़े के अंदर चली गई या चला गया तो फौरन कसम टूट जाएगी। मसला नंबर 2, किसी ने कसम खाई कि इस घर में नहीं जाऊंगी,
फिर जब वो घर गिर कर बिल्कुल खंडर हो गया तब उसमें गई तो भी कसम टूट गई। अगर बिल्कुल मैदान हो गया, ज़मीन बराबर हो गई, घर का निशान ही ख़त्म हो गया, उसका खेत बन गया या मस्जिद बनाई गई या कोई बाग बना लिया गया, तब उसमें गई तो फिर कसम नहीं टूटेगी। गया या गई जिसने भी कसम खाई है, ये सूरत है। मसला नंबर 3, कसम एक आदमी खाता है कि मैं इस घर में नहीं जाऊंगा, फिर जब वो गिर गया और फिर से बनवा लिया गया तो तब वो उसमें गए तो कसम टूट गई। मसला नंबर 4, किसी ने ये कसम खाई थी कि तेरे घर नहीं जाऊंगा, फिर वो फलांग कर, यानी जो उसका कमरा है उसकी छत फलांग कर वो आ गए और छत पर खड़े हो गए, खड़ा हो गया या खड़ी हो गई तो कसम टूट गई अगरचे नीचे ना भी उतरे। मसला नंबर 5, किसी ने घर में बैठे हुए कसम खा ली कि अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, उसके बाद थोड़ी देर में बैठी रही या बैठा रहा तो कसम नहीं टूटी, चाहे जितने दिन वहाँ बैठे रहें, जब बाहर जाकर फिर आएंगे तो उस वक्त कसम टूटेगी। और अगर कसम ये खाई कि ये कपड़ा नहीं पहनेंगे और ये कहकर फौरन उतार डाला तो कसम नहीं टूटी, और अगर फौरन नहीं उतारा, कुछ देर पहने रखा तो कसम टूट जाएगी। मसला नंबर 6, कसम खाई कि इस घर में नहीं रहेंगे, इसके बाद फौरन उस घर से सामान वगैरह उठा ले जाने का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया तो कसम नहीं टूटी, और अगर कुछ देर वहाँ ठहर गए तो ये कसम टूट जाएगी। मसला नंबर 7, एक आदमी ने कसम खाई कि अब तेरे घर में कदम नहीं रखूँगा, मतलब यह है कि नहीं आऊँगा, अगर मियाने पर सवार होकर आए और घर में उसी मियाने पर बैठी रहे या बैठा रहे तो कदम ज़मीन पर उसने नहीं रखे तो तब भी कसम टूट गई। मसला नंबर 8, किसी ने कसम खाकर कहा कि तेरे घर कभी ना कभी ज़रूर आऊँगा, फिर आने का इत्तेफाक नहीं हुआ, जब तक ज़िंदा है कसम नहीं टूटी, मरते वक्त कसम टूट जाएगी, उसको चाहिए कि इस वक्त वसीयत करके जाए कि मेरे माल में से कसम का कफारा दे देना। मसला नंबर 9, किसी ने यूँ कसम खाई कि फलाने के घर नहीं जाएंगे, तो जिस घर में वो रहते हैं वहाँ ना जाना चाहिए, चाहे खुद उसी का घर हो या किराए पर रहते हों या मांग लिया हो और बेकिराया दिए, किराया भी नहीं दे रहे, वहाँ वो रहते हों तो उस घर भी नहीं जाना चाहिए वरना कसम टूट जाएगी। मसला नंबर 10, यूँ कसम खाई थी कि तेरे हाँ ना मैं कभी नहीं आऊँगा, फिर किसी से कहा कि तू मुझे गोद में लेकर वहाँ पहुँचा दे, इसलिए उसने गोद में लेकर वहाँ पहुँचा दिया, तब भी कसम टूट गई। अलबत्ता अगर उसने नहीं कहा, बग़ैर उसके कहे किसी ने उसको लाद के वहाँ पहुँचा दिया तो कसम नहीं टूटी। इसी तरह अगर किसी ने यूँ कसम खाई कि इस घर से कभी नहीं निकलूँगी, फिर किसी ने यूँ कह दिया कि तू मुझको लाद कर निकाल ले, और वो इस तरह उसने लाद करने उसको निकाल दिया तो कसम टूट जाएगी। और अगर उसने किसी को नहीं कहा, उसको उसके कहे बग़ैर अगर कोई उसको लाद कर वहाँ से निकाल दे तो फिर कसम नहीं टूटेगी। अल्लाह हमें इन तमाम बातों को सही समझने वाला बनाए और इन मसाइल को सही याद करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।